प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। पहला प्रिंसिपल क्या है? पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये कहता है गुड गवर्नेंस कहती है, कहते बड़ा एक मेन कॉर्नर स्टोन है पार्टिसिपेशन वाला, कि जो मैन है या वुमेन है, इन बोथ की जो पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वो बड़ी नेसेसरी है। मतलब कहने की बात यह है कि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसके बाद कहता है ये जो पार्टिसिपेशन हो ना, कहता है ये डायरेक्ट भी हो सकती है या थ्रू लेजिटिमेट या इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से भी हो सकती है। कैसे? अब जरा ये बात समझे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? कि जैसे एक मिनिस्टर है, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, आपने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया। एक बंदा है वो लेजिटिमेट, और ये मतलब वो इलेक्शन जीता, देन नेशनल असेंबली का मेंबर बना, देन वो उसके अंदर उसको इलेक्ट कर लिया गया, नॉमिनेट कर लिया गया कि ये इस चीज का मिनिस्टर होगा। फिर कहता है यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग जो कि डेमोक्रेसी के अंदर मोस्टली बोल रहे होते हैं हर किसी को बोलने का हक है, जो भी है बिल्कुल ठीक है, बाज का कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो सोसाइटिकल कंसर्न्स होते हैं, बस आप डिसीजन लेते हुए उनको कंसीडर नहीं करते। उनको लग रहा होगा ये डिसीजन हमारे अगेंस्ट है, बट एज एन एक्सपर्ट आप बात करें, मे बी उस चीज को ज्यादा बेटर आप जानते। फिर कहते हैं ये जो पार्टिसिपेशन होगी ये इन्फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। आपको पता हो ना, आपसे पूछे बगैर आपको किसी ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर कहता है हर किसी को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और एक्सप्रेशन हो। एसोसिएशन मतलब किसी से जिससे आप तल्लक कायम करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कर सकते। अब इसके बाद बारी बारी है पॉइंट्स। अब ये बातें जो है इसको आगे फर्दर वो एक्सटेंड करता है। वो ये कहता है, वो ये कहता है जो लोकल इलेक्शंस है ना, वो कंडक्ट होने चाहिए फ्रीली एंड फेयरली। अच्छा, अगर इसको मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कन्वर्ट करना चाहूँ, अब जहरी बात है पेपर तो देना है, चीज गलत है, बट पेपर में अब मैंने ये चीज लिखनी तो है, अब उसको कैसे लिखूंगा? इसका मतलब ये है, अब ये इलेक्शन मैं किसकी तरफ ले जाऊंगा? ये लीडर्स के इलेक्शन छोड़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन की बात कर है कि नहीं? तो ये कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, हम ये कह सकते हैं इसमें। समझ आई बात? फिर लेजिटिमेट सोर्स इसमें क्या होगा, क्योंकि तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो इंटरवेंशन वो क्या है? देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर, और वो दो तरीके से। अब वो कौन से होंगे? नंबर वन, पहली बात तो ये कि जिन लोगों के पास ज्यादा शेयर थे उन्होंने खुद ही को वोट दिया और वो बोर्ड पे आके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के बैठ गए। एक वो होता है केस, कुछ एम्प्लॉयज, कुछ ऐसे मैनेजमेंट के बड़े की पर्सनल्स होते हैं जिनके बगैर कंपनी का सर्वाइवल या ये वो डिफिकल्ट होता है, और आपने उनको इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं कि आप चाहते हैं वो भी आके बोर्ड पे बैठ जाए ताकि कंपनी को एडवांटेज हो। अच्छा, फिर उनको क्या किया जाता है? शेयर्स वगैरह ये एज ए रिवॉर्ड बोनस के तौर पर इशू कर दिए जाते हैं, तो फिर वोटिंग कराई जाती है उनके लिए और उनको
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो आप इसको यूं भी, फिर ये जो लोकल इलेक्शन कह रहा है ये, अब बेसिकली आप इसको, आप जो पेपर तो देना है कॉर्पोरेट इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें ये लोकल इलेक्शंस को आप कन्वर्ट करेंगे, इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंडक्टेड फ्रीली एंड फेयरली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड नेशनल लेजिस्लेशन के हिसाब से, और फ्रॉड ना हो इसमें। उसके बाद नंबर टू कहता है जो सिटीजन होते हैं ना, कहते हैं ये सेंटर है किसका, पब्लिक एक्टिविटी का। जारी बात, गवर्नमेंट हुकूमत ये जितने नुमाइंदे होते हैं वो किस चीज के काम, क्या रिप्रेजेंटेटिव, किसके रिप्रेजेंटेटिव, इन्हीं लोगों के ना। तो वो जिन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे, या ये आपने उन एक्टिविटीज को बेसिकली क्लियरली शो करना है, उनके पब्लिक लाइफ क्या है लोकल लेवल के ऊपर। तो आप ये भी यहाँ पे कह सकते हैं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट का ओवरऑल सेंटर फिर कहते हैं हर मर्द औरत को अपनी वॉइस रेज करने का अख्तियार है इन डिसीजन मेकिंग, बोलने का हक। तो आप यही आप उसमें कहेंगे कि जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है उसमें, बेशक वो डायरेक्टर मेल है या फीमेल है, वो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्ट प्ले करे। वो कहता है आइदर डायरेक्टली और थ्रू लिस्टिंग में, जैसे अभी आपको बात की। इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं इसकी वजह से फिर क्या चीज फ्लरिश होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असेंबली एंड एसोसिएशन। फिर कहता है जितनी भी वॉइसिस रेज होती है उसमें से कुछ लेस प्रिविलेज हो जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो या आप नहीं समझ रहे उसको इम्पोर्टेंट, कहते सब बात सुने और डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका इंपैक्ट नजर आना चाहिए। बेसिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की ना हो, किसको क्या देना। अब ये लोगों के जाने का ना आखिरकार टाइम अब आता जा रहा है और ये भागते जाएंगे, और इनको ये पता नहीं है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना क्लास की, वो कहते हैं 30 मिनट बाद में, या ये तो इसका मतलब है 1.5 घंटा मास्टर। और आप देख लेना सबसे ज्यादा बुरा इन्हीं के साथ था, जब इनकी अटेंडेंस एट द एंड कम निकलेगी और ये पेपर नहीं दे सके। उसके बाद कहता है कहता है ऑनेस्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए आपकी मीडिएशन, मीडिएट जो सुलह सफाई दरमियान का रास्ता। अब कहता है किसके दरमियान, लेजिटिमेट इंटरेस्ट और जो एक आपका ब्रॉड कंसेंसस है उस पर। देखिए मैं, मेरे नजदीक कोई चीज किसी तरह होगी, बट वही चीज किसी और के नजदीक किसी और तरह से, और ला की नजर में वो किसी और तरह से। तो हमने बेसिकली वो चीज उस तरह से करनी है कि वो सोसाइटी के लिए एज ए होल बेनिफिट हो, उस सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर, उस मैनर के अंदर। तो जारी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो यही करेंगे,
सारे के सारे जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उनके हक में बेहतर है वही डिसीजन लेंगे, वही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे जिससे कंपनी फ्लरिश करे, ग्रो करे। उसके बाद कहता है जो आप डिसीजन ले रहे हैं दूसरों की मर्जी से क्यों? यहां पे इंपॉर्टेंट ये है ये बात कि मेरे राइट से ज्यादा आपके राइट इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है जो राइट्स हैं या लेजिटिमेट इंटरेस्ट है किसी का भी, आपने उसकी रिस्पेक्ट कर दी। ये नहीं है किसी ज्यादा ग्रुप की वजह से, स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप का आप इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना करें, या स्मॉल का कहें उसका प्रोटेक्ट कर लें और लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो उसकी वजह से इफेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिवनेस का ये है कि हमने बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चीज के लिए इंप्लीमेंट की हुई थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। कंपनी मैनेज कंट्रोल अच्छी तरह हो, इसका मतलब है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में रोल प्ले कर रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कहता है कोई भी एक्शन नीडेड हो, कुछ भी चीज है, तो कहता है वो किसके अंदर होना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर क्या वो कर। अब इसमें कहता है वो क्या है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स, रूल, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स हैं, कहता है ये लेजिटिमेट मैनर के अंदर और अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हो, कि जो आपके लोग आपसे चाह रहे हो। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, ये है ना कि यहाँ सिटीजन्स की जगह आप क्या करेंगे, स्टेक होल्डर्स। सिंपल है कि आपके स्टेक होल्डर्स क्या चाह रहे हैं, एस्टिमेट मैनर के अंदर वो चीजें होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव, वो रूल्स, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स एडॉप्ट हो ताकि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। फिर कहता है ये जो पब्लिक सर्विसेज है ये डिलीवर हो, या जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, उनको रिस्पॉन्ड किया जाए रीजनेबल टाइम पे, बहुत ज्यादा टाइम ना लगा दिया जाए चीजों के ऊपर। खैर हमारे यहाँ तो उलट ही है इसके ऊपर, गवर्नेंस किधर ही। प्रिंसिपल थ्री क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अच्छा गुड गवर्नेंस का मतलब तो ये है कि ये सारी चीजें आपने जब कर ली है ना, चेक एंड बैलेंस लगा लिए, इंश्योरिटी दे दी है, सारा कुछ हो गया, तो इसका मतलब है वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, जो सोसाइटी की नीड्स थी वो फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे वो एफिशिएंसी के कॉन्टेक्ट की बात करता है, तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज आपने मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्टेक्ट के अंदर वो ये कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनका यूज सस्टेनेबल। अच्छा अब ये जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है कि आज आप रिसोर्सेज या
अपनी नीड्स को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस, रिसोर्सिस को मिस यूज नहीं करते ताकि उससे फ्यूचर जनरेशन जो है वो एडवांटेज ले सके, ये यही कह रहे हैं। और आपकी इन्वायरमेंट उससे प्रोटेक्ट हो। अब इसमें क्या है, नंबर वन कहते जो रिजल्ट्स है ना वो मीट करें आपके एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स को, फिर जो रिसोर्सेज हैं आप उसको बेस्ट मैनर के अंदर यूज करें, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करें, उसकी बेसिस पे आप चीजों को अवेल्युएट करें, सिस्टम्स के एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट है सर्विस है जो भी है उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें। फिर कहता है अगला कंसर्न, ऑडिट्स आर कैरीड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स टू असेस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ऑडिट ने बेसिकली आपको श्योरिटी प्रोवाइड करनी है, श्योर करना, और वो क्या चीज जी, जो चेक एंड बैलेंसेस थे ये सारा कुछ था वो इंप्लीमेंट करने के बाद हम इस नतीजे पे हैं कि हमें पता लगा कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्रॉड एरर या ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे भी वो गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यही कह रहा है कि बेसिकली आपको एक इश्योरिटी मिल रही है इस चीज की कि जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव। यहां तक आप पहले पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, फिर आगे चलते हैं। कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछें। ठीक है, उसके बाद कहता है ओपनेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। ओपन मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा है इन कम्युनिकेशन चीजें ओपनली कम्युनिकेट, किसी को प्रोटेक्ट करने में नहीं, और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए जितने भी प्रोसेसेस हैं जब डिसीजन लें, इन चीजों को इन्फोर्स लाजमी करें, रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहते रहते करें। फिर देखिए ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन तो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, उसको अपने पास कैरी करके रखने को वो फायदा नहीं है। तो यही वो कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल हो, डायरेक्टली लोगों की एक्सेस हो उसका, क्योंकि बेसिकली इंफॉर्मेशन में यूज कहाँ पे होना है, डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज करना है। तो सारी बात है, इसकी वजह से जितनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो जो डिसीजन के सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे वो उतने ज्यादा होंगे और बेटर डिसीजन मेकिंग हो, फेलियर के चांसेस निकल जाएंगे। डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करा सकते हैं, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके बाद कहता है डिसीजन जो है वो पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन के अंदर रहते रहते आप डिसीजन लें और उन डिसीजन को इंप्लीमेंट करें। फिर कहता है लोगों की एक्सेस होनी चाहिए ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन तक। अच्छा, अब बाज इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो पब्लिकली अवेलेबल हो या पब्लिक को उसकी एक्सेस हो, बट जो होनी चाहिए वो हो। और इसके अंदर वो कहता है
प्राइवेसी का आपने ध्यान रखना, फेयर पॉलिसीज प्रॉपरली यूज करनी है इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए, और हमारे यहाँ बिल्कुल ही उलट है। उसके बाद कहता है ये इंफॉर्मेशन हम जो डेसिमेट करते हैं, फैला रहे होते हैं, उसको पब्लिकली अवेलेबल बना रहे होते हैं, अब वो किसके लिए थे? उस पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। क्यों? ताकि लोग इफेक्टिवली उसको फॉलो करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। क्योंकि अगर उस इंफॉर्मेशन से आपने कोई फायदा ना उठाया, एडवांटेज ना लिया और डिसीजन गलत हो गया, देन आप क्या करें? हमारे यहाँ उलट है ना, यहाँ पे फिर वही एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ जितने डिसीजन लिए जाते हैं या होते हैं इंप्लीमेंट, वो उलट है। आप ये देख लें, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके अंदर गवर्नेंस का एलिमेंट नहीं होता, या वो पुअर मैनेजर होते हैं या पुअर लीडर होते हैं, और उसके बिहाइंड रीजन सबसे बड़ी क्या होती है? ये डिसीजन होती है, और वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन से एडवांटेज नहीं ले पाते, फिर वो कहते हैं ही इज अ बॉर्न लीडर, मैनेजर बाय बर्थ, और ये इस किस्म की बातें फिर हम जो हो रहे हैं ये गलत है। अगर हो तो एक फिनोमिना जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, और एक जो पढ़ा लिखा जाहिल होता है, इन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही लाइन का फर्क है, और वो फर्क पता है क्या होता है? वो जब उस चीज को फॉलो कर रहा होता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज की बेसिस पे कर रहा होता है, ट्रेंड की बेसिस पे नहीं कर रहा होता। तो पाकिस्तान में आपके सामने ही था, वो हुआ क्या जिसकी कॉस्ट आज भी सारों को भुगतनी पड़ रही है? हमने असल में मसला ये नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देते या टैक्स में लोग आगे फिर भी टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, मसला कहाँ पे था? हमें इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट ये नहीं कर सके। इकोनॉमिक्स हमें बताता है जिन चीज़ों की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है, जिसका सोसाइटी को बेनिफिट होता है या जो लोगों की नीड वांट होती है, उसके ऊपर टैक्स कम होता है, और वो चीज़ें जिनके नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है ये सोसाइटी को जिनका हार्म होता है, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा रखा जाता है। हमारे यहाँ उलट हुआ, उन्होंने कहा ये लोगों की नीड्स है, इस पे टैक्स ज्यादा कर। और जब आप इकोनॉमिक एजेंट को डिस्टर्ब करते हैं तो ये इकोनॉमिक इश्यूज फिर वहां से रेज होना शुरू होते हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब रेज होते हैं। तो ये कोई बात नहीं करेगा ना करना चाहता, ये सबसे बड़ी पुअर गवर्नेंस की, पुअर डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी आपको एग्जाम्पल बताई। देन फिर हम क्या होता है, डी ट्रैक करते हैं डिसीजन मेकिंग को भी इंफॉर्मेशन को भी, और उसका भी आपके सामने फुल गवर्नेंस पुअर की आपके सामने एग्जाम्पल है। खुदा के लिए अपने ऊपर भी रहम करें और अपने आने वाली जनरेशन के ऊपर भी रहम करें, ऐसा ना हो कि हम ट्रेंड और पॉपुलैरिटी और इसके चक्कर के अंदर वो ना कर बैठे
जिसका नतीजा हमारी आने वाली जनरेशन भुगते हैं, जो नजर आ रहा है। उसके बाद कहते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 क्या है, रूल ऑफ लॉ। अब यहां पे ना दो तीन बातें, वो ये है कि देखें हर चीज, हर कंपनी, अब जिस तरह कंपनीज बनती हैं तो कंपनी लॉ एग्जिस्ट करता पाकिस्तान में। कंपनीज एक्ट 2017 है जिसके तहत कंपनीज बनाई जाती हैं, रजिस्टर्ड की जाती हैं, सारा कुछ है। तो वो कंपनी लॉ बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से कहता है ये जो गुड गवर्नेंस है ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लीगल फ्रेमवर्क। अब मैंने जिस तरह आपको बताया ना लॉ है, इसमें ये प्रैक्टिस होगी तो इसकी ये सजा है, ये नहीं होगी तो इसकी ये छूट है। यहां पे भी वो ये कह रहा है ये जो लॉ है पर्टिकुलरली ये किस लिए बनाया जाता है, जो पब्लिक है या ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट ना हो, उसमें मिनोरिटीज हैं या कोई रिलीजन है पर्टिकुलरली या कुछ भी है वो ना हो। तो यहां पे भी वो यही कह रहा है कंपनी के केस में भी क्या होना है कि जो मिनोरिटी शेयर होल्डर्स और मेजोरिटी शेयर होल्डर्स उनके राइट्स जो है वो वायलेट ना हो, उनको प्रोटेक्ट करता। फिर कहता इम्पार्शियल इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, मतलब किसी की जातियात या अपने पर्सनल मोटिव को फुलफिल करने के लिए नहीं, यह बात जरा आप गौर से सुन लें। मैं नहीं कहता हर जगह पे ये लिखे हुए गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल्स या ये वो कह रहे हैं इसके लिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो कि उसके अगेंस्ट डिसीजन ले और उस चीज को इन्फोर्स करवाए। फिर कहता है इम्पार्शियल एंड इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो जुडिशरी ने तो वो चीज करा देनी है, कर देनी है, उसको इंप्लीमेंट किसने करना है, पुलिस फोर्स ने। अच्छा दुनिया किसी भी कंट्री के अंदर एक चीज याद रखिएगा, ये जहालत की निशानी समझी जाती है, जहां पे पुलिस को ऑर्डर मिला वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या ये उसको रोकने के लिए, वो उनका राइट था रोकना, और हमारे यहाँ उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये तो कातिल थे, इन्होंने हम पे शेलिंग कर दी, ये हो गया वो हो गया, ये गलत है कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे लोगों के आंसू, घरों में लेडीज जो होती हैं या ये इनके कमेंट्स नहीं रुक रहे होते, हमें ला पता ही नहीं है ला है क्या। भाई जब जुडिशरी ने कह दिया है उन्होंने वो चीज इंप्लीमेंट करवानी है, पर्सनल सिंपैथी आपकी होगी किसी के साथ, जिसके साथ आपकी पर्सनल सिंपैथी होगी ना, मसला ये है उसकी छतरोल नहीं हुई होगी, वो किसकी हुई होगी, कॉमन ले मैन। क्योंकि ये जितने लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, ये तो सिर्फ कॉमन पर्सन के लिए होते हैं। उन पे थोड़ी आना, इंप्लीमेंट होना। उसके बाद एक और सबसे आगे इंपॉर्टेंट, वही मैंने कहा था कि प्रिंसिपल 6 एथिकल कंडक्ट। तो ये जब एथिक्स की बात करते हैं ना, एथिक्स में एथिक्स किस चीज के बारे में गाइड करती है आपको,
व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, इसमें ना दुनिया में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। जिस तरह कॉन्सिक्वेंटलिस्ट है वो कहते हैं कि ये जो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के ऊपर उसके असर जो है वो नेगेटिव होगा या ये होगा, आप उसको साइड पे कर लें। एक कहते हैं कि दुनिया में कोई यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। जी सिद्रा, कोई क्वेश्चन है? सर, अभी आपने बात की है रूल ऑफ लॉ की, और आपने अच्छी निशानदेही की कि पाकिस्तान में एक मतलब अमेरिका के लिए कुछ और रूल है और ग्रीक के लिए कुछ और रूल है। हाँ सर, इसी के अंदर सर मैं ऐड करूंगी, पिछले दिनों मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी थी लाहौर हाई कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस हैं उन पर। सर, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन जिनकी आपको पता है रोजी का सवाल है, उसके सर 5,000 केसेस पेंडिंग है। 5,000 केसेस पेंडिंग है, यही है हमारे। क्यों, मसला क्या है? हम जुडिशियस खेलते हैं ना, हम यही समझते हैं जिसको जो चीज प्रोटेक्ट करनी है या ये, हम उसकी तरफ तो जाते नहीं। हम ये बातें कर लेते हैं, अच्छा ये हुआ, इसने ये नुकसान पहुंचाया, ये, और बेसिक लॉ एंड जस्टिस जिस कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, उस कंट्री का हाल क्या होना है? सिद्रा, बात सारी ये है, कुछ लोग इन चीजों को समझते सर, हैं, मानते हैं, बट बाकी नहीं। सर मैं अपनी मिसाल अगर दूं, मैं इससे इफेक्टेड हूँ, मैं ज्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सर, हमारा सर्विस मैटर का केस पिछले 1.5 साल से चल रहा है, हम हाई कोर्ट से केस जीत गए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। सर, उसके बाद हमारा केस सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिली हुई है कि क्योंकि ये सर्विस मैटर का केस है, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि 45 डेज में आप इनका फैसला करें। बट वो नहीं मानेंगे सर ये 45 डेज आप काउंट कर लें कि ये हो गए हैं, मुझे पता है आप जो चीज की बात है। और सर, ये अब ये सर इसको 8 माह हो गए, हमारी एक हेयरिंग नहीं हुई, और लिटरली जो चीफ जस्टिस साहब रात के 12-12 बजे बैठ के भी सियासी केस निपटाते हैं, वो साफ कहते हैं कि नहीं, मैंने केस सुनना, जो करना है कर लें, कर लो। यस, ये होती है, बातें समझने की जरूरत है। आप लोगों को कोई भी बंदा कुछ भी बीन सुना देता है, आप लोग पीछे मतलब हम चल पड़ते हैं ना। हमने ना वो चीजें देखी, ना गवर्नेंस रूल देखे, ना देखा उसका सोर्स क्या था या ये था। हम सिर्फ फॉलोअर हैं, पाकिस्तान में सिर्फ ट्रेंड होता है, ट्रेंड चलता है, सब होते हैं। बाकी मुझे आप सिर्फ लीडरशिप की डेफिनेशन सुना दें या ये कोई बंदा कहे अच्छा ये है वो है, तो मैं कहूंगा यार ये ठीक है, बात ये सही कह रहे। सर, बेसिक सर चीज ये है कि आज एक बात करता हूँ, उस टाइम पे भी कई लोगों को कहता होता था, सिद्रा एक मिनट सिर्फ, यहाँ पे एक चीज, जब आपको इस नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा था ना इस मुल्क में, और ट्रेंड चलाया जा रहा था कि पाकिस्तान में दो एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एक अमीर का एक गरीब का, ये सब झूठ था। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ दो सिस्टम है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक का नाम नहीं लूंगा, दूसरे का नाम लूंगा, सिविलियन। जी, असल सच ये है, जो कि ना कोई बात करेगा ना कहेगा, और गवर्नेंस सारी की धज्जियां यहां से उड़ेगी। दूसरे के हॉस्पिटल में हम वहां जाएंगे तो हम लाखों रुपया देंगे इलाज कराने के लिए, और हमारे वाले हॉस्पिटल में आएंगे तो हम लाइनों में होंगे, वो प्रोटोकॉल से अंदर होंगे। ये कुछ हार्श रियलिटीज हैं,
मैंने इसीलिए ये बात कह दी है, ये जो कुछ आजकल हो रहा है आपके सामने है सारा कुछ है, लम्हा फिक्री है। आप मैं हो गया, आप हो गए, हम में से जो 25 ईयर से अबव हो गए सारे, हम अपनी लाइफ का एक मेजर पोर्शन गुजार गए। वो जिन्होंने आना है, नेक्स्ट जनरेशन है, खुदा के लिए अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के पीछे हम उनको तबाह ना कर। अगर ये सिस्टम यूं ही चलता आ रहा है, यूं ही चलता रहना है, तो फिर फायदा नहीं, फिर ये इस एजुकेशन का फायदा नहीं। मैं उससे ज्यादा बदनसीब इंसान किसी को नहीं समझता जिसने दो इल्म के लफ्ज भी पढ़े हों, सीखे हों, और वो भी इंसान जहालत की बातें और सच और उसे झूठ ना नजर आ रहा हो, उसको सिर्फ वही नजर आ रहा हो जो कि एक मीडिया पे दिखा रहे हैं, यह सारा कुछ वो हो रहा सर है। मेरे मैं थोड़ा सारे सा कुछ और दोस्त, बोलना, और मैं बाहर कहूं नहीं, मैं मेरे से ज्यादा तो नेक कोई नहीं है, मुक्ति की कोई नहीं है, तो मुझे बताए ना आपके ऊपर फिर वो जो बातें मैं कहूं कि अच्छा जी कल को मुझे निकाल देना, मेरे पे कभी कोई क्वेश्चन हुआ, या ये आपके घर में सबसे बड़ा चोर बैठा हो, या बाकी सारा कुछ हो, नहीं है, ये गवर्नेंस नहीं होती। और सिद्धरा आप जो कह रही हो मैं समझ सकता हूँ, उन लोगों से भी, यहाँ पे सर भी मैं कुछ इस्लामाबाद में भी एक फेडरल दो के कुछ हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं बल्कि, जिनकी हायरिंग हो गई 16 में भी, 17 में भी, कई दोस्त भी हैं। एट द एंड वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जो आपका फेडरल बोर्ड है ऑफ एजुकेशन, उन्होंने भी बाद में वो कर लिया, वो लोग उसके अगेंस्ट भी चले गए, सारा कुछ हुआ, केसेस गया ये, बट वो गवर्नमेंट का इदारा या वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते सर हैं सर इसमें बहुत जो सी मस्ती सर बातें और भी तश्वीशनाक हैं, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये वो बातें हैं जो मैं सुनी सुनाई नहीं कर रही, मैंने सर खुद एक्सपीरियंस किया है। मैडम, सर यही तो ये बात कर जो रहा हूँ, सर आप मुझे अगर सर समझ जाओ। अगर सर अगर सर सिद्धरा मैं एक सर बात बताता हूँ, अगर जज, आपको जॉब सर की देखिए जरूरत सर क्यों अगर थी, जज, सर क्यों मैं एक अगर बात जज कहता हूँ। पीपल्स पार्टी का है, सर अगर जज पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है और वकील पीटीआई का पेश हो गया है तो वो आपकी शक्ल देखना गवारा नहीं करेगा और केस को यही है, डिसमिस कर देगा। यही है। अब सिद्धरा मैं एक बात करता हूँ, लेडीज जितनी प्रोफेशन एडॉप्ट करती हैं, या तो अपने शौक से कर रही होती हैं, उन्होंने खुद सेल्फ जी मेड या ये बनना, या मेरा एक मानना है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मेरी अपनी कितनी स्टूडेंट्स और बाकी सारे जिनके घर के प्रॉब्लम्स हैं, आपको दो ही तरह की लेडीज में, वो बच्चियां घर से बाहर, या वो लेडीज घर से बाहर नजर आएंगी, या वो माएँ घर से बाहर नजर आएंगी जिनकी एक स्पेसिफिक मजबूरी है, या आप उनसे पूछे ना, और एक जो घर में बैठी हुई लेडी बड़ी आसानी से कोई भी बात कर दे, यही फर्क है। आजकल जो हो रहा है, या रोड्स पे जो हो रहा है, बाकी सारा कुछ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप देखें, बाकी सारा बातें करना बहुत आसान होता है, हम सारा दिन जाते आते हैं, आप भी आती जाती हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है, तो सारा दिन ये गवर्नेंस की धज्जियां उड़ती। सर मैंने तो पिछले 1.5 साल में ये सीखा है कि पहले हम गोरे के गुलाम थे, गोरे अंग्रेज के, अब हम काले अंग्रेज के गुलाम हैं, हमारे लिए कुछ नहीं यस बदला है। बिल्कुल, तो मैडम अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, इंशाल्लाह आमीन। बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर करे। तो ये जी एथिकल कंसर्न में अब यहाँ पे ये है कि ये सोचना, अब एथिक्स आपको ये चीज कहती है, मेरे से ज्यादा दूसरे के राइट्स है इम्पोर्टेंट है, पहले उनको प्रोटेक्ट करना नेसेसरी, और मैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी रोड ब्लॉक करा लूं या सारा कुछ करा लूं, वो गलत। उसके बाद किस तरह से आप करप्शन को प्रिवेंट या रोक सकते हैं, अच्छा अब इसमें वो जो लड़के ने पहले एक बात की थी ना, करेंसी डीवैल्यूएशन, साध ने जब क्वेश्चन किया ना,
साथ एक और रीजन भी होती है डीवैल्यूएशन करने की, और उसमें भी ये होता है जो लार्ज करेंसी नोट्स होते हैं उनको भी स्मॉल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, करप्शन खत्म हो सके। हमारे यहाँ सबसे बड़ा नोट 5,000 का, मोदी ने एक काम तो किया ना जिसको हम बुरा कहेंगे, जो भी है उसने, देखें हमारे लिए वो लाख बुरा होगा, अपनी कंट्री के लिए वो लाख अच्छा होगा, बट उसने सबसे पहले आ क्या क्या किया, ये जो करेंसी के बड़े नोट थे ना खत्म किए। डॉलर का सबसे बड़ा नोट आपको कितने का नजर आता, 100 डॉलर, हमारे यहाँ 5,000 है। तो जो बंदा वो रिश्वत ले रहा है या ये, वो 5,000 एक दफा कैटर करना वो आसान है, वही अगर 100-100 वाले नोट हो 50,000 5,000 तो वो इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं। कहाँ छुपाएंगे फिर इतना पैसा? उसके बाद कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहता है, अगर है, बट यहां पे वो कहता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आप रिप्रेजेंट करेंगे कहता है वो टाइमली मैनर के अंदर होना चाहिए, और रेलेवेंट डिसीजन के अकॉर्डिंगली। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना अच्छा है बट उसको नेगेटिव मैनर के अंदर यूज करना वो गलत है। अगर कंपनी है, कंपनी के केस में वो ये कहता है कि भाई क्या है कि अगर शेयर होल्डर हैं वो चाह रहे हैं डिविडेंड लेना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाह रहे हैं एक्सपेंशन करना, तो इसका कुछ पार्शियल वे भी तो हो सकता है ना। वो भी ऊपर आपने पढ़ा मीडिएशन का पॉइंट, दरमियानी हल भी कुछ हो सकता है। अगर कंपनी ने इतने अरसे से डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है तो उसने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट भी तो करना है ना शेयर होल्डर्स का, तो पार्शियल वे हो, वो कहें अच्छा 50% हम रिटेन्ड अर्निंग कर लेते हैं बाकी ये। इसी तरह गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि जो भी बॉडीज हैं हर लोकल बॉडी का दूसरी लोकल बॉडी से कोई ना कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट वो पॉजिटिव मैनर के अंदर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। ये जिस तरह आपने वो ये लॉयर्स की एग्जांपल दी है या चीफ जस्टिस की एग्जांपल दी है, एक का अगर एक पार्टी से तल्लक है दूसरे का दूसरी पार्टी से तल्लक है। अब प्रोफेशन के अंदर वो अब ये आप खुद एग्जांपल दे रही है और ये सारा दिन मीडिया पे होता है और हमारे घरों में वो मोस्टली जो लेडीज बैठ के हा हाय हो हा हो रहा होता है, वो क्या हो रहा होता है? और भाई एक चीज तो समझें, ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ मेरे इंडिविजुअल सिंपथीज और ये जो चीजें, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो मैं नहीं ला सकता कोर्ट की हियरिंग में या बाकी सारी चीजों के अंदर। वो गवर्नेंस के और लॉ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, मेरा एटीट्यूड जो मर्जी होगा, बट मेरा जो प्रोफेशन है जिसकी हम ओथ लेते हैं या बाकी सारा कुछ करते हैं वो कुछ और है, उसमें पर्सनल बाइसनेस और ये चीजें नहीं आनी चाहिए। वो गलत, बट बात यह है कि वो तो फिर हमारे एथिकल कंसर्न का एज ए नेशन बर्बाद हुई हुई है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को ना एक बात कहता हूँ, आज सुबह भी मैंने की एक क्लास पढ़ाते हुए ना, उस क्लास में कुछ 70-80 स्टूडेंट हैं, तो वो मैं एक बात कर रहा था वहाँ पे भी वो चल रही थी, यही बात हो रही थी, वो मैंने कहा असल में, और वहाँ पे एथिक्स की अप्रोचेस चल रही थी, तो मैंने उनको कहा उस कंट्री की एथिक्स का लेवल क्या होगा, असल में यहाँ से आपको पता चलता है। और ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, ये सुन लीजिएगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, वो हार जाते हैं तो वो लोग उनके घरों में पहुंच जाते हैं, तोड़ फोड़ उनके घरों के, भाई तुम्हें हमें अपने टैक्स से इतना पैसा खिलाते हैं, ये तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें या वो जिनका कट रहा है पैसा, या आप जो चीज परचेज कर रहे हैं सेल टैक्स दे रहे हैं तो ये इंजॉय कर रहे हैं पूरी दुनिया,
और हमारे यहाँ लेवल क्या है, वो एथिकल कंसर्न क्या है, हमने इनसे कभी जवाब ही नहीं मांगा ना। हम क्या करते हैं, वो होता है तो गाना चल जाता है मीडिया से, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। वो तो फिर लीडर भी ऐसे ही होने, उस नेशन के, उस नेशन के बाकी भी वो ऐसे ही होगा। गवर्नेंस यहीं से पता चल जाती है। तो जनाब आज यहाँ तक रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मंडे को प्रिंसिपल नंबर 7 से आगे चलेंगे। और ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल। अब ये इसकी कन्वर्जन आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके हिसाब से खुद करनी है। मैंने आपको बता दिया ये सबसे बड़ा मसला था, जिस बंदे ने ये सिलेबस के अंदर चीज डाली थी या लिखा था उसने इसको गलत इंटरप्रेट किया, वो गलत हुआ था टोटली। और क्वेश्चन आ भी रहा है, मैं आपके सामने तीनों चीजें रखने लगा हूँ, आप देख लीजिएगा और उसकी आपने कन्वर्जन करनी है। मैं आपको पहले साबित कर देता हूँ वो गलत कैसे है, ये मैंने कल निकाला है तो आपसे मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। हाँ ये जो मैंने भी डॉक्यूमेंट खोला है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, कोई भी एक बंदा बता दे। यस आ रहा है नजर? जी सर आ रहा है, ठीक है गुड। ये देखें, ये उसने बनाने थे, अल्लाह उसको हदायत दे, जिसने ये सिलेबस में वो डाल दिया था, वो क्या हुआ, ये है डॉक्यूमेंट, ये पढ़ा आपने पार्टिसिपेशन, ये ही है सारा, ये 12 के 12। अब ये देखें, प्रिंसिपल ऑफ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और ये क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन लेवल ऑफ गवर्नेंस एक्सीलेंस, ये उनकी लोकल एक बॉडी है, काउंसिल ऑफ यूरोप। अब ये अल्लाह उसके हाल पे रहम करे, उसने पता नहीं पढ़ा हुआ क्या होगा, मुझे तो ये नहीं पता जिसने वो ये सिलेबस वो कर दिया था डिजाइन, ये देख लें। और ये अब आपको दिखाता हूँ आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, और आपने अब आपको तरीका मैंने बता दिया कि आपने उसको आंसर कैसे करना है, वो चेक लाजमी करेगा जब तक कि इसके अंदर वो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं आ जाती, उसने टेस्ट करना है और आपने फिर इसका आंसर उसी के हिसाब से देना है। ये देखें जी, ये मैंने आपके सामने एक खोला है, ये देखें जी, ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 आया है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वर्किंग पेपर फॉर द बोर्ड रेफरिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस एज हाउ दे कैन हेल्प द इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बोर्ड। अब यहां पे वो क्वेश्चन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से, जो मैंने आपको पहले कह दिया, और कौन सा, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, कंसेंसस ओरिएंटेशन। और ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में आया। तो आपने इसको जो लिखना है वो किस एंगल में लिखना है वो आपको मैंने समझा दिया है, जहां पे है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वर्ड से रिप्लेस कर, फिर लाल यही कर सकता हूं आपके लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें।